एक्सपीरियंस के लिए आज मैं आपको और एक ट्रीट देने वाली हूँ, वर्चुअल ट्रीट। तो ये है स्टेटस प्योर वेज रेस्टोरेंट, और इतना अच्छा वेजिटेरियन फूड मिलता है यहाँ पे। काफी सारी वैरायटी है इनके पास, साउथ इंडियन स्नैक्स भी है यहाँ पे, फाइन डाइन रेस्टोरेंट भी है। और सबसे बढ़िया चीज जो है यहाँ पे वो है एक प्योर वेज थाली जो अनलिमिटेड है। खाते खाते थक जाएंगे मगर मन नहीं भरेगा। आपको लोकेशन बता देती हूँ, ये है रीजेंट चेंबर्स नरीमन पॉइंट में, इट्स ऑपोजिट मेकर चेंबर्स 5। तो चलते हैं, देखते हैं। वेज थाली तो है ही, उसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। आइए, स्टेटस रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है और काफी यूनिक है। आई एम श्योर आपने पहली बार ये चीजें देखी होंगी। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, दिस इज मिनी वड़ा पाव। तो मिनी वड़ा तो हमने सुना है और अपने चैनल पे भी देखा है, पर ये देखिए इतने क्यूट लग रहे हैं ये मिनी वड़ा पाव। सो देयर आर 10 पीसेस ऑफ देम, एंड जो बटर की खुशबू आ रही है ना, मेरे एकदम पास में रखा हुआ है और उसको ग्रिल भी किया हुआ है बटर लगा के। अमेजिंग, कांट रियली वेट टू हैव दिस। टेस्ट ऑफ द बटाटा वड़ा इज जस्ट लाइक एनी रेगुलर वड़ा। जो टिपिकल बटाटे वड़े का टेस्ट होना चाहिए वो ही टेस्ट है। ग्रिल करने की वजह से और भी अच्छा लग रहा है, और जैसे मैंने आपको बोला बटर, सो यम्मी। और साथ में इन्होंने ये चटनी भी सर्व की है, जो रेड वाली ड्राई चटनी होती है ना, पीनट्स एंड गार्लिक वाली, वही। तो दैट लहसुनी फ्लेवर ऑफ आलू का मसाला, और जो इसका कवर है ये भी काफी क्रिस्पी है। हमारा बाहर जो फास्ट फूड काउंटर है वहाँ पे आप साउथ इंडियन एंजॉय कर सकते हैं बहुत बढ़िया, जैसे की इडली, डोसा, उपमा, रवा इडली, रसम वड़ा भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज दिस पाव भाजी। सो प्रॉपर जैसे पाव भाजी तो सर्व की है, साथ में ये लेमन्स और ये अनियन भी सर्व किया, जो यूजुअली पाव भाजी के साथ सर्व किया जाता है। सब पाव भाजी इन वड़ा पाव तो वही है, टेस्ट वैसे ही है। मेरा डिफरेंस इस जो इनका प्रेजेंटेशन है ना, छोटे छोटे क्यूट ये लोग पाव इसमें डाल के सर्व किया हुआ है, उसकी वजह से ना बहुत ही मजा आता है खाने में, एक यूनिक चीज लगती है, डिफरेंट लगता है। सो दैट्स द ओनली थिंग। ये जो है कुरमा पराठा है, वेज कुरमा पराठा बहुत ही फेमस है, और ये बिरयानी, वेज बिरयानी फॉर लंच आवर्स के लिए ऑलमोस्ट सब लोग गेस्ट ज्यादा करके ये प्रीफर करते हैं ऑफिस के लिए। फिर हमारे पास और भी सारी वराइटीज है साउथ इंडियन स्टफ में, आइए दिखाता हूं। इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल वेज, एंड आई बीन ईटिंग इट फॉर 8 इयर्स नाउ, 9 इयर्स। ऑल द साउथ इंडियन डिशेस आर ग्रेट। दैट्स द डोसा दैट आई एम हैविंग, द रवा डोसा, द रवा सादा डोसा, दैट्स माय फेवरेट। दे आर आमरस इज टू लुक आउट फॉर, बट दैट सीजनल, सो दैट ओनली कम्स लाइक 3 मंथ्स अ ईयर। एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट द फूड इज ऑल गुड। द रेस्टोरेंट, या द सर्विस इज गुड, द थाली इज ग्रेट। It's unlimited for anyone who is has that kind of capacity, and that's a lot of ghee. It's heavy, but it's for eaters like me. So yeah, it's good food. So ये corn भेल भी है यहाँ पे, जो यहाँ का बहुत ही popular dish है। काफी सारे लोग specially ये ही खाते हैं, starters में इसके लिए ही आते हैं। तो थोड़ी सी कॉर्न भेल भी पहले खा लेते हैं। सो कलरफुल दिखाई दे रही है, काफी सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए, जैसे भेल में यूजुअली होता है मिक्सचर ऑफ सो मेनी क्रंची थिंग्स। चटपटी तो है ही, जैसे अच्छी बेल को होनी चाहिए, साथ ही बहुत ही क्रंची है। रॉ अनियन का क्रंच, अनारदाना, देयर आर टोमेटोस टू, कॉर्न, सेव डाली हुई है बारीक वाली, चटनी से कॉम्बिनेशन सुपर। तो नेक्स्ट स्टार्टर जो मैंने लिया है ये है पनीर चिली। स्टेटस रेस्टोरेंट की सिग्नेचर डिश है, और इसके साथ में जो सॉस इन्होंने दी हुई है ना, आई कैन सी जिंजर, गार्लिक, कैप्सिकम एंड अनियन, जैसे यूजुअली किसी भी चिली डिश में होती है। जो कवर है ना आउटर, इट इज क्रिस्प, प्रॉपरली फ्राइड, कच्चापन जरा भी नहीं है, बहुत ज्यादा सॉसी नहीं है, हल्का सा ड्राई है बस जरा सा। यहाँ पे हॉट टी कॉफी लोग सर्व करते हैं गर्मा गर्म, इकोशन चाय एंड फिल्टर कॉफी साउथ इंडियन, और यहाँ पे है सर गरम गरम इडली। व्हाट वी रियली लाइक हियर इज द साउथ इंडियन, सो एवरीथिंग इज रियली अप टू द मार्क एंड रियली रेडी गुड। आई वुड रेकमेंड इट टू एनीबॉडी हु वुड वांट टू कम टू दिस प्लेस। व्हाट वी रियली लव हियर इज द रवा इडली, इट्स जस्ट अमेजिंग। तो हल्की सी वेट ग्रेवी है, बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं है। और ये जो नेक्स्ट है, दिस इज चीज बॉल्स इन चिली गार्लिक सॉस। काफी बड़ा साइज है चीज बॉल्स का, एंड इट इज वेरी सॉफ्ट टू कट, देख के मुझे लगा नहीं था इतना जल्दी से कट हो जाएगा। अंदर से काफी चीजी दिखाई दे रहा है, इसकी भी जो सॉस है, मतलब ना ड्राई में ना वेट में, सेमी ड्राई बोल सकते हो आप, एकदम चीजी है, सॉफ्ट है। जो आउटर कवर है भी प्रॉपरली फ्राई हुआ है, जैसे पनीर चिली का था, बट ये जो मिनी सीरीज है
ये भी काफ़ी अच्छी है डिफरेंट होने की वजह से. वड़ा पाव बहुत अच्छा लगा मुझे. And this corn bhel, this is amazing. तो वैसे कि हमारा गुजराती थाली बहुत फेमस है. इसमें हम अनलिमिटेड है, स्वीट एक हम लोग लिमिटेड देते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द आइटम्स आर ऑल अनलिमिटेड. सो यूजुअली तो मैं अभी आगे अपने मेन कोर्स की तरफ बढ़ जाती हूँ, बट जैसे आपके सवाल होते हैं हमेशा कि मैं जो इतना सारा खाना लेती हूँ, इतना सारा तो मैं ऑब्वियसली खाती नहीं हूँ, तो इसका क्या करती हूँ, तो मुझे आपको ये बताना है कि ये मैं अपने साथ पार्सल करा के घर ले जाती हूँ. और ये चीज़ मैंने आपको अपने वीडियोस में पहले भी बताई है, तो मैं किस तरह पैक करती हूँ ये भी देख लीजिए. तो क्या होता है ना, जब मैं इसको पैक करके घर ले जाती हूँ तो शाम तक ये कैसे फ्रेश रहे उसके बारे में भी मुझे रिसेंटली कुछ पता चला है, जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. ये है असाही कसे, जापान का नंबर वन ब्रांड, जो कि अब इंडिया में भी अवेलेबल है. प्रीमियम रैपलिंग फिल्म तो हमने काफ़ी बार अपने घर पे भी यूज़ किया है, बट ये वाला काफ़ी डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है कि यूजुअली जब हम घर में रेगुलर वाला क्लिंग फिल्म यूज़ करते हैं ना, उसमें कटर नहीं होता है, तो यहाँ पे इसमें ये कटर भी दिया हुआ है. तो ये देखिए कितना आराम से ये कट हो गया. और ये जो है केमिकल फ्री है, आप रेफ्रिजरेटर में भी इसको रख सकते हो और इसी तरह से माइक्रोवेव में भी इसको आप गर्म कर सकते हो. क्योंकि ये PVDC मटेरियल से बना है जो फूड को ज़्यादा समय तक फ्रेश रखता है. तो ये देखिए कितना बढ़िया से पैक हो गया, तो इसे मैं जाते ही रेफ्रिजरेटर में रखूंगी. ये रेफ्रिजरेटर सेफ है तो ये आपस में स्मेल्स भी मिक्स नहीं करता है. जैसे आपके फ्रिज में अगर अनियंस, गार्लिक या दूध कुछ भी रखा हो तो एक दूसरे की स्मेल्स जाती है, वो भी नहीं होता है. और इसे डायरेक्टली मैं अवन में रखूंगी बिना इस फिल्म को निकाले. और फर्स्ट प्रोडक्ट ये इंडिया में ऐसा आया है जिसे आप डायरेक्टली माइक्रोवेव अवन में भी रख सकते हो. तो अब जब मैं खाना खाऊंगी ना शाम को, तो ये मुझे इसी तरीके से बिल्कुल फ्रेश मिलने वाला है. और इसे ऑर्डर करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वेबसाइट भी दे रही हूँ, और मेरा कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं असाही कसे 20, जिससे आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट. अब एक्चुअली वो चीज मैंने ले ली है जो स्टेटस रेस्टोरेंट की सबसे ज्यादा फेमस चीज है. दिस इज द वेज थाली, एक्चुअली इट्स अ गुजराती थाली. तो ये देखिए इसमें इतने सारे जो आइटम्स हैं, आपको ज्यादातर सब गुजराती डिशेज दिखाई देंगी. स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ये खांडवी दी हुई है. गुजराती स्पेशल थाली है तो ये डिश तो अच्छी होनी ही थी, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक स्नैक है जो गुजरातीज बनाते हैं. मुझे बहुत पसंद है खांडवी एंड बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्रेश है. इसके अलावा यहाँ पे ब्रेड्स में दी हुई है दिस फुल्का, थेपला एंड पूरी. बहुत सारे अकम्पनीमेंट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं. ग्रीन चटनी है, मीठी चटनी है, प्याज और नींबू तो है ही है. पिकल भी दिखाई दे रहे हैं, जो इनका ट्रेडिशनल पिकल है ना कैरी का, वो वाला. एंड यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, विच इज़ चुंदा, आम का चुंदा, जो एक्चुअली समर सीजन आता है ना तब ये कैरी को सुखा के बनाया जाता है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोसेस, बट बहुत ही यमी लगता है, ये मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ. काफ़ी टेम्पटिंग दिख रही है जब आपके आगे इतने सारे आइटम्स हो वेजिटेरियन वाले, अच्छे अच्छे इतनी सारी सब्जियाँ, तो कैसे आप रोक सकते हो. तो सबसे पहले मैं खाने वाली हूँ फुलके के साथ में ये आलू मेथी. मेथी की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है. एक्चुअली सच बोलूँ ना, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी आलू मेथी खाई है. थोड़ी सी ग्रेवी टाइप दिखाई दे रही है ये, ठीक है, बिकॉज यूजुअली हम ड्राई आलू मेथी खाते हैं, तो ये वैसी नहीं, अलग है, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा है. और ये जो दूसरी है ना, दिस इज मूंग दाल विद कांदा टमाटर. दाल भी बोल सकते हो इसको आप, वैसे ग्रेवी वाली सब्जी जैसे बनाते हैं वैसे कांदा टमाटर डाल के इन्होंने बनाई है. दिस इज ऑल्सो वेरी टेस्टी. ऐसी दाल भी मैंने फर्स्ट टाइम खाई है, मतलब ठीक है. और दाल का एक एक दाना है ना इसमें दिखाई दे रहा है आपको, एंड इट इज कम्प्लीटली कुक्ड पूरा अंदर तक. तो काफी डिफरेंट टेस्ट है दोनों चीजें जो अभी तक खाई उसकी. इसके अलावा यहाँ पे ना मॉकटेल्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं. तो पहले मैं आपको ये इंडियन वाला मॉकटेल, मतलब केसरी ठंडाई जो है, ये मैंने लिया है क्योंकि मुझे ठंडाई बहुत पसंद है पर्सनली. सो इसे पी के देखती हूँ कैसी है. ओह वाओ, दिस इज सुपर, बहुत ही बढ़िया है.
जो खुशबू आती है ना इसमें ड्राई फ्रूट्स की, पिस्ता की खुशबू, केसर की खुशबू, हाँ केसर ठंडा, ये तो इसके लिए केसर तो उसमें होना ही था, और जो लास्ट में सौंफ और ब्लैक पेपर की जो एक हल्का सा तीखापन होता है या तेजपन होता है, तो वो भी इसके अंदर आ रहा है, अमेजिंग। अलाकार्ट भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे पनीर के डिशेज हैं, पनीर लजीज है, फिर पनीर लबाबदार है, फिलहाल हम लोग ने पनीर ग्रीन कबाब मसाला, ये भी बहुत आइटम अच्छा बढ़िया है, वेज कोल्हापुरी है, उसके साथ में स्पेशल बटर गार्लिक नान, रुमाली रोटी या रेशमी पराठा। सो ये थेपला है जो गुजराती में बहुत कॉमन चीज, एकदम पतला रोल किया हुआ थेपला है, मैंने घर पे बहुत बार ट्राई किया है बट ऐसा मुझसे नहीं होता है, और ये सब्जी भी काफी अलग दिख रही है, ये पनीर का पीस आ रहा है इसमें, मकई नु शाक, सो कैप्सिकम है, मकई ऑफकोर्स, कॉर्न तो इसमें है ही, चलो इससे देखते हैं। यम्मी, कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ अ सब्जी, ऐसी पहले कभी कभी नहीं खाई। सो ये व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है बट इसमें एक्चुअली क्या डाला है वो पक्का ऐसे बोल नहीं सकते, दही का टेस्ट तो उसमें बिल्कुल नहीं है, क्रीमी टेस्ट आ रहा है, काफी रिच है पनीर, एकदम ही सॉफ्ट है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया, काफी डिफरेंट, और थेपले के साथ में बहुत बढ़िया लग रही है। सो ये मॉकटेल में एक और चीज ट्राई करते हैं, दिस इज कीवी का कुछ मॉकटेल है, ये कीवी कैप्रियश का, वेरी रिफ्रेशिंग और बहुत चिल्ड है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्योंकि बाहर काफी गर्मी है, अगर गर्मी से आप अंदर आओ पहले मॉकटेल लो, दिस इज ऑल्सो रियली गुड। इसके अलावा ये एक और सब्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसे भी खाएंगे थेपले के साथ। सो ये जो सब्जी है दिस इज चौली की सब्जी, जो ग्रीन वाली चौली होती है ना वो, एकदम होममेड टेस्ट है इसका, मतलब कि घर में बनाते हैं ना डेली, बिल्कुल वैसी सब्जी है। सो थाली आप ले रहे हो, बहुत जगह पे जाते हो, बहुत बहुत पैसे देते हो, बहुत सारे आइटम्स भी खाते हो, बट एक हैवीनेस वाली फीलिंग आती है। सो ये खाना देख के और टेस्ट करके ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, हल्का फुल्का खाना है, अनलिमिटेड थाली है एक्सेप्ट फॉर द स्वीट, बाकी सारी चीजें अनलिमिटेड है, जितना चाहो उतना खाओ, जो अच्छा लगे फिर से मंगाओ। हरा भरा कबाब, some dish, paneer tikka is a rock star, and obviously dal and kadhi rocks, so 1 2 3 4 5 6 7 8 and plus farsan 9 and this and that, maybe more than 12, really I'm roughly around 12, it's really good. Aur chunda to pehle try karna hai mujhe. Wow, ye to ek aisi cheez hai na, you really don't need sabzi, chunde ke sath aap puri chapati, fulka, thepla, jo bhi ho sab kuch kha sakte ho. Really nice. So now the seasonal dish and sabka favorite amras with puri. Yum. Ekdam chilled amras hai. Bahut hi badhiya hai. So amras ko to main bacha ke rakhne wali hu last ke liye. To jaise maine aapko bola ye limited hai, to baki sari cheeze khati hu aur aapko ye bhi dikhana hai. Yahan pe dal bhi hai. So this is surti dal. So dal mein mujhe yahan pe kaju dikhai de raha hai. तो ये भी मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम देखा है, सूरती दाल तो दो तीन जगहों पे अभी रिसेंटली हमने थाली में ट्राई किया था, बट काजू फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। स्वीट दाल है और इसमें ना कुछ दालचीनी की खुशबू आ रही है जिसकी वजह से डिफरेंट टेस्ट आ रहा है, राइस में भी डालोगे तो भी काफी स्ट्रॉन्ग खुशबू है जो अच्छी लग रही है, और जैसे मैंने आपको बोला काजू है, किशमिश भी है इसके अंदर, सो ये फर्स्ट टाइम देखा। सो नेक्स्ट इज दिस गुजराती कढ़ी, इसे भी ट्राई करते हैं और हम इसे खाएंगे खिचड़ी के साथ में, जैसे कढ़ी खिचड़ी का कॉम्बिनेशन होता है गुजराती में, एकदम बढ़िया। कढ़ी का जो खट्टापन है ना बिल्कुल सही है, ना ज्यादा खट्टी और ना कम, क्योंकि कम खट्टी होती है तो भी कढ़ी में टेस्ट नहीं आता है, ज्यादा खट्टी होती है तो खा नहीं पाते, एसिडिटी भी हो सकती है। खिचड़ी कंसिस्टेंसी इज परफेक्ट, ये भी ना बिल्कुल गाढ़ी है ना बिल्कुल पतली है, जस्ट मीडियम, और इसके अलावा वेज पुलाव भी है, तो आप जो भी ऑप्शन चाहो ले सकते हो, राइस में तीन ऑप्शन है, तीनों चाहो तीनों ले सकते हो, बिकॉज ये सब कुछ अनलिमिटेड है। वेज पुलाव में मुझे ये मटर, काजू, गाजर सब कुछ दिखाई दे रहा है, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है, बीन्स भी दिखाई दे रही है इसमें, वाओ, होल स्पाइसेस की बहुत ही अच्छी खुशबू, सिंपल पुलाव बट बहुत ही ज्यादा टेस्टी, साथ में छाछ भी यहाँ पे दी हुई है, मसाला छाछ उसमें बूंदी डाली हुई है जो अच्छी लगती है। सो मैं ये सारी चीज़ें इंजॉय करती हूँ, और इसके पहले एक और मॉकटेल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जो इन्होंने रेकमेंड किया मुझे, दिस इज मॉप पिम्स, कुछ अलग तरह का नाम है, क्या है मॉप पिम्स देखते हैं। वाओ, सो इट्स अ टैंगी
एंड हल्का सा स्वीट, इसे मिक्स फ्लेवर है आप बोल सकते हो, इसे काला खट्टा होता है ना जो शरबत, उससे रिजेंबल करता है। गार्निशिंग बहुत अच्छी की हुई है मॉकटेल्स की। सो ये सारी चीज़ें एंजॉय करती हूँ, अच्छे से खाती हूँ, उसके बाद में आपको मिलती हूँ डिजर्ट के साथ। जो रेस्टोरेंट है स्पेसो, वहाँ पे आप कॉन्टिनेंटल फूड जैसे कि पिज्जा, सीजलर्स और चीज केक्स ये सब एंजॉय कर सकते हैं। मैंने एक मैंगो चीज केक यहाँ पे ले लिया है, तो ये देखिए इतना टेम्पटिंग दिख रहा है, ये फ्रेश मैंगो में कट किए हुए पीसेस रखे हुए हैं, दिस इज अल्फोंसो मैंगो, और ये अंदर भी दिख रहे हैं मैंगो के पीसेस इतने बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। सो यम्मी दिस इज, फ्रेश मैंगो का टेस्ट तो इसमें है ही, बट ये जो चीज़ केक है ना इसमें मैंगो का फ्लेवर पूरी तरह एम्बाइब हो चुका है। तो अगर आप मैंगो सीजन में स्टेटस रेस्टोरेंट में आ रहे हो तो ये डिजर्ट तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड। इवन देयर गुलाब जामुन आर जस्ट अमेजिंग, द केसर दैट दे हैव इन इट, एंड वेल इट्स नॉट एक्स्ट्रा स्वीट यू नो। और हमारा जो बैंकवेट हॉल है सेनेट करके, इसकी कैपेसिटी है 200 to 250 का है, तो हम लोग डिवाइड भी करते हैं अराउंड 40 to 50 के लिए स्मॉल गेट टुगेदर के लिए, फिर 125 to 150 लोग रहेंगे तो उसको पार्टीशन करा के एक गेट टुगेदर हो जाता है। सिंस चाइल्डहुड वी आर कमिंग हियर एंड वी एंजॉय ऑल ऑफ द मील्स आउट हियर, like Punjabi, South Indian. The special thing is thali. The thali is amazing. So all the vegetables, farsan, especially the dessert, amras. Amras is delicious out here. The main thing about status is service. Service is the best thing. We get it very fast. और यहाँ पे जो status restaurant में जो है, जो sweet बनते हैं, गुलाब जामुन है, केसर बासुंदी है, केसर श्रीखंड है, ये इन हाउस हमारे महाराज बनाते हैं। गुलाब जामुन एंड ऑल टाइम फेवरेट सबका ही मोस्टली, तो ये देखिए देखने में ये गुलाब जामुन काफी टेम्पटिंग है। सर मीडियम साइज का गुलाब जामुन है और चॉप नट से गार्निश किया हुआ है, एंड अंदर भी यहाँ पे इसमें नट्स दिखाई दे रहे हैं। सुपर्ब केसरी फ्लेवर आ रहा है इसमें, एकदम फ्रेश गुलाब जामुन से, एकदम फ्रेश वॉर्म है, स्मूथ है कट करने में, आउटर कवर इज इंटैक्ट, ऐसे नहीं है कि वो ब्रेक हो गया उसमें क्रैक्स, रियली नाइस। और ये जो गुलाब जामुन है, इनफैक्ट जो भी इनके डेजर्ट्स है ना, ये कुछ भी आउटसोर्स नहीं करते, ये सारे यहाँ पे ही इनके जो शेफ्स हैं, जो महाराज हैं, वो ही सारा कुछ बनाते हैं। आई थिंक दैट्स वाई इतना ज़्यादा फ्रेशनेस आ रही है इसमें। एंड द नेक्स्ट वन इज इस केसर बासुंदी। वाओ सुपर अमेजिंग, एकदम ही फ्रेश बासुंदी, मतलब मैं तो एक्चुअली हम लोग इसको रबड़ी बोलते हैं, सो रियली फ्रेश, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा थिक हो तो बहुत जल्दी से हैवी हो जाती है। सो मेरे हिसाब से दिस कंसिस्टेंसी इज रियली गुड, क्योंकि ऐसी कंसिस्टेंसी हो तो दो कटोरी में भर के इसको खा सकते हैं। नट्स डाले हुए हैं इसमें चॉप किए हुए, सो अच्छा सा क्रंच आ रहा है, केसरी फ्लेवर आ रहा है इसमें हल्का सा, और एक चीज़ है जो केसरी फ्लेवर वाली ही है, सो दिस इज केसर श्रीखंड, वेरी यमी, नाइस केसरी फ्लेवर इसके अंदर भी आ रहा है। सो एक्चुअली जो भी इनके डिजर्ट्स है ना, तीनों केसरी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली गुलाब जामुन में, और जो इनकी स्पेशल ठंडाई ली थी केसरी, वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। चारों चीज़ें अच्छी है, बट मुझे गुलाब जामुन और ठंडाई बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप ज़रूर ट्राई करना अगर आप स्टेटस में विजिट कर रहे हो तो। ओवरऑल आई लाइक द थाली, कुछ सब्जियाँ ऐसी थी ना जो यूनिक थी, फर्स्ट टाइम खाई है, कुछ सब्जियों का बनाने का तरीका अलग था। बेस्ट पार्ट इज वेरी लाइट मील यू नो, एंड अनलिमिटेड, जितना चाहो उतना खाओ। सो आई एम गोइंग टू एंजॉय दीज डेजर्ट्स हियर। तब तक आपने अगर वीडियो एंजॉय किया हो तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा है आज के वीडियो में, शेयर कर दो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि जल्दी हम 25,000 की फैमिली बनने वाले हैं। शेयर करो और उन्हें भी बोलो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हमेशा देखने मिलें। सर जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो एंजॉय करो।